अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, आप कैसे होंगे? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो कुछ यूँ हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो चलें जी हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है प्याज, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऑयल अपनी मर्ज़ी से जितना को यूज़ करना है आप उतना ले सकते हैं। और टमाटर ये देखें जी, मैं ग्राइंड कर रही हूँ और उनके साथ मैं प्याज भी ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इसमें जो है साबुत प्याज और टमाटर नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैं ऑयल जो था उसमें मैं गोश्त या मटन, बीफ या मटन जो भी आप लें, मैंने हड्डी के बगैर वाला बीफ लिया है, ठीक है, बारीक कटा हुआ था, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसको अब अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें डालना है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए एक गिलास पानी डाल करके बंद कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, खोला हमने जब कुकर तो इस तरह का कुछ इसकी हालत हो गई थी। ये तकरीबन गल चुका था गोश्त, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें जो है मसाले ऐड करने हैं। पहले हम टमाटर नहीं ऐड करेंगे, पहले हमने मसाला ऐड करना है। हल्दी पाउडर मैंने डाली, अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और आखिर में इसमें जाएगा मिक्स मसाला और नमक हसबे ज़रूरत। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लें, और फिर इसमें जाएगा टमाटो पेस्ट और जो हमने प्याज को बारीक कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो सारा इसमें मिक्सचर हमने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता। ऑयल छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू और सब्ज़ मिर्ची, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो हमारी जो आलू गोश्त हैं वो अधूरे हैं। तो ये लें जी हमारी रेसिपी आज की रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाहर लगी हुई थी इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश, मौसम खुशगवार हो चुका था, और साथ में हांडी रोटी कटने का अपना ही मज़ा था। तो हमारी डिश आज की रेडी है। अल्लाह हाफिज़। Close till I get up,